मुझे देख रहे हैं एमएनएस न्यूज़ लाइव पर। देखते आज की कुछ खास खबरें। मुंडे के आयुक्त बनते ही नागपुर महानगर पालिका की बदल गई राजनीति। मनपा आयुक्त तुकाराम मुंडे के नागपुर महानगर पालिका की बागडोर अपने हाथ में लेने के बाद नगर पालिका समीकरण पूरी तरह से बदल गया है, जिससे सत्ताधारी पक्ष में काफी बेचैनी देखने को मिल रही है। वहीं आयुक्त के विकास कामों पर रोक लगाने से नागपुर के नगर सेवक भी उन पर नाराज है। इसी बात को लेकर विरोधी पक्ष नेता हरीश ग्वालवंशी ने विरोधियों पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि आयुक्त के विकास कामों को रोकने से सत्ता पक्ष में नाराजगी है, फिर इन्हीं सत्ताधारियों ने विरोधी नगर सेवकों को विकास कामों के लिए निधि नहीं दिया था, तब जरा सोचिए हमें कैसा लगा होगा। तुका मने उगी रहावे, जे जे होइल तेते पहावे, यानी इसका मतलब है चुप रहकर जो कुछ भी होता रहा है उसे देखते रहिए। ऐसा कहते हुए नगर सेवक हरीश ग्वालवंशी ने विरोधियों का करारा जवाब दिया। सत्ता पक्ष ने आयुक्त को फांसा। कल आयोजित आम सभा के दौरान मनपा आयुक्त तुकाराम मुंडे ने आर्थिक लेखा जोखा, प्रस्तावित काम पर होने वाले खर्च और विभिन्न पदों की बकाया राशि का हिसाब सदन में पेश किया गया, लेकिन इस दौरान 12 वर्षों का हिसाब नहीं दे पाने की स्थिति में सत्ता पक्ष ने आयुक्त को घेर लिया। इस स्थिति में महापौर संदीप जोशी ने कहा कि विशेष सभा में जो निर्देश दिए गए हैं उनके अनुसार लेखा जोखा पेश नहीं किया गया है। इस पर आयुक्त ने हिसाब पेश करने के लिए 1 महीने का समय मांगा, जिसे महापौर ने मंजूरी दे दी है। मोना ठाकुर को वापस भेजने के लिए दिए गए आदेश। मनपा आयुक्त की ओर से मनपा के मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी का प्रभार मोना ठाकुर को दिए जाने के फैसले पर पार्षद धर्मपाल मेश्राम ने आपत्ति जताते हुए कहा कि मोना ठाकुर लेखा निरीक्षक रहते हुए संबंधित पदभार संभाल चुकी हैं, अब वे महालेखा अधीक्षक है, ऐसे में दोबारा उन्हें चार्ज देना गलत होगा। इस पर सफाई देते हुए आयुक्त ने मोना ठाकुर को राज्य सरकार की तरफ से भेजे जाने की बात भी कही, मगर महापौर ने सदन की तरफ से निर्देश देते हुए ठाकुर को तत्काल वापस भेजने के आदेश जारी कर दिए। अब आप हमारे चैनल को ऐप पर भी देख सकते हैं। प्ले स्टोर में जाकर एमएनएस हिंदी लिखे और ऐप डाउनलोड करें। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और उन पर भी खबरें देख सकते हैं। लिंक ट्विटर हाइक और इंस्टाग्राम पर भी आप हमारी खबरें देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं और इसे यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। फिलहाल वक्त हो चला है ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए बने रहे एमएनएस न्यूज लाइव के साथ। नमस्कार।